कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था। ऐसे में सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी और पूरे देश में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं वह अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब देश को संबोधित किया तो पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया। ऐसे में शाम के करीब मुंबई में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां बांद्रा टर्मिनस पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस एक्शन में आई और इस भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक यहां पर 15,000 के करीब भीड़ कैसे इकट्ठा हुई। अगर ये भीड़ इकट्ठा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उससे ये साफ लग रहा है कि ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित साजिश थी, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन बांद्रा टर्मिनस के पास जो जामा मस्जिद है वहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो वहाँ पर लोग ये भी ऐलान कर रहे हैं कि लॉकडाउन है इसलिए आप लोग अपने अपने घर जाइए, लेकिन भीड़ किसी की नहीं सुन रही है। ऐसे में जब पुलिस आई तो उसने हल्के बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस बीच इस भीड़ को लेकर सियासत भी तेज हो गई। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले से महज कुछ ही दूर पर बांद्रा स्टेशन पर 15,000 की भीड़ कैसे इकट्ठा हुई। सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं हुई। अब इस भीड़ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता जहां इसे कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सरकार, जो आघाड़ी सरकार राज्य में चल रही है, उस पर सारा दोष मढ़ रही है, तो वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसके लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग की थी कि कम से कम 24 घंटे के लिए ट्रेन को शुरू कर दिया जाए ताकि जो मजदूर फंसे हैं वो अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और ये शायद इसी का नतीजा है इतनी संख्या में लॉकडाउन खुलने की आस में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई। उधर बीजेपी के नेता पूनम महाजन का कहना है कि बांद्रा टर्मिनस उनके ही क्षेत्र में आता है, वो यहाँ की जनता को बखूबी जानती हैं और वो ये भी जानती हैं कि यहाँ लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं, ऐसे में मुंबई के लिए लॉकडाउन अलग से बनाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद क्रीट सोमैया ने ये सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर से कुछ ही दूरी पर हजारों की संख्या में लोग कैसे इकट्ठा हो गए, इसकी जाँच होनी चाहिए। बहरहाल ये जांच का मुद्दा तो है ही है कि इतनी हजारों की संख्या में लोग अचानक इकट्ठा कैसे हो गए, लेकिन कहीं न कहीं पीएम मोदी को देश में फंसे प्रवासी मजदूरों की भी सुननी पड़ेगी। आखिर वो लॉकडाउन में अपना पेट कैसे पालेंगे? फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन बनाना भूलें।